हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? यार उम्मीद करता हूँ कि सब लोग एकदम बढ़िया और ठीक ठाक होंगे। तो गाइस, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आज की जो वीडियो होने वाली है, कोई मैं प्रैंक व्रैंक शूट नहीं कर रहा हूँ। तो गाइस, आज की वीडियो में आपसे मैं कम बात करूंगा और प्रीति ज़्यादा बात करेगी, क्योंकि आज की जो वीडियो है ना, प्रीति ने ये खुद ही बोला है कि मुझे कैमरे के आगे आना है और बात करनी है अपनी फैमिली से, अपने सब्सक्राइबर से और अपने सारे दोस्तों से। उनको ये बताना है कि उसके साथ क्या चल रहा है, प्रीति के साथ क्या चल रहा था, उसके लाइफ से क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है एक्चुअली हुआ। इस वजह ये प्रीति को अच्छा ज़्यादा फील बेटर कर रही होगी, बट तबीयत खराब अभी भी है, ठीक नहीं है। बता दूं कि तबीयत खराब अभी भी है, ठीक नहीं है। तो प्रीति ने इंस्टाग्राम अपना खोला, और मैं तो खोलता ही हूँ, बट इनफैक्ट मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता कि मैं सबको रिप्लाई करूँ। बहुत सारे मैसेजेस पड़े हैं, बहुतों के ये कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई नेक्स्ट वीडियो कब आएगी, भाभी कैसी है। मैं सबको रिप्लाई नहीं दे पा रहा, क्योंकि मैं सच बताऊँ तो मैं अपने ऑफिस भी नहीं जा रहा, क्योंकि मैं प्रीति के पास ही हूँ। मान लो आप 24 घंटे मैं प्रीति के साथ ही हूँ, क्योंकि मैं नहीं जा सकता इधर उधर छोड़ के, क्योंकि उसका नहीं पता कि कब एकदम से प्रॉब्लम आ जाए प्रीति को। प्रीति को प्रॉब्लम क्या आ रही थी, क्या क्या हो रहा प्रीति के साथ, ये सब प्रीति ही बताएगी आपको, ठीक है। और वीडियो के लिए, बाकी वीडियो लेट आ रही है उसके लिए सॉरी, आपसे सच में दिल से सॉरी, क्योंकि यार मैं नहीं कर सकता ऐसे कि एक जगह प्रीति की तबीयत खराब चल रही हो और एक जगह मैं कैमरा लेकर साथ में चल रहा हूँ। मैं नहीं कर सकता ऐसे, मेरे से नहीं पॉसिबल होता। कैमरा सेट करूँ मैं, प्रीति को उठाऊँ या कहाँ करूँ, वो नहीं और समझ मेरी पाता। तबीयत ऐसी खराब होती है कि उस टाइम पे बंदा कैमरा पकड़ भी नहीं सकता। तो अभी बताओ, प्रीति, आप अपने बारे में, मतलब जो आपको बात करने थे कैमरे से, आप बताओ उनको, पब्लिक को, कि क्या क्या चला, मतलब प्रीति के साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या चीजें हुई, क्योंकि मैं तो जितना बोल सकता था बताया उनको अपना व्लॉग में भी, आप बताओ कि गाइस स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी कि मुझे नहीं पता था। मेरे ना बहुत टाइम से ऐसा होता रहता था, मेरी तबीयत आप लोगों को पहले ही पता है कि मैं ठीक नहीं रह पाती थी। तो मुझे कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, मुझे हमें प्रॉब्लम ही नहीं पकड़ में आ रही थी, क्योंकि ना हमने कभी टेस्ट कराए थे, ना कभी हमने कुछ किया था। तो काफ़ी टाइम हो गया, टाइम निकलता चला गया। शादी के बाद क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम मैंने मैं एक्चुअली कुछ ना ज़्यादा खाती हूँ ना पीती हूँ। मुझे ना चटपटा एंड ऑल ये सारा ज़्यादा पसंद है, फ्रूट्स मिल्क ये सब मैं नहीं खाती। काम की चीज कोई तो नहीं खाती, सब उठपटांग चीजें खिला लो बाहर का, जैसे आपने देखे भी होंगे ब्लॉग्स में कि यार बाहर से चीजें खानी है। वो मतलब आप बहुत ज़्यादा नुकसान कर गया मेरे को वो चीज़। तो क्या हुआ था कि मेरे स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, मैं गई थी अपने घर पर। तो अपने घर तो वहाँ पर मेरे को अचानक से पैरोलेक्स में ऐसा पेन उठा, मुझे लगा कि शायद मेरे को रेगुलरली कुछ ना कुछ होता रहता है, तो ये भी एक नॉर्मल चीज़ है। तो पेन बहुत ज़्यादा हुआ, ऐसा पेन हुआ कि मैं नहीं चल पा रही थी और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब ये तो किसी को, मैं सीधे डॉक्टर के लेके गए, तो डॉक्टर ने सिर्फ सीधा पेन के इंजेक्शंस दे दिए, मुझे 2 इंजेक्शन लगाए थे। तो उस टाइम पर मतलब मेरा पेन मतलब विद इन अ हाफ एन आवर में मतलब पेन बंद हो गया था, 6 घंटा फिर कुछ ठीक नहीं हो हुआ। गया, फिर मतलब उन्होंने मेरा पेन पेन लगा, किलर्स के इंजेक्शन दे दिए या जो भी वही दिया हो, उन्हें पेन किलर भी फिर दिए। उसके बाद मैं मतलब वापस अपने यहाँ आ गई। एक दिन 2 दिन निकले, मेरी तबीयत बिगड़, मैं नाइट में सो रही थी तो सोते सोते मेरे लेग्स में पेन उठा बहुत ज़्यादा, मतलब जैसा मेरे 2 दिन पहले उठा था। और मींस मेरे जो पैर होते हैं वो ना, जो पेन होता है ना वो मेरा होता है बर्दाश्त से बाहर, मैं नहीं वो पेन ना झेल पाती। और मेरे लेग्स ना मतलब जैसे लोकेस्ट ऐसे होते हैं, तो मेरे ना लेग्स ऐसे हो जाते हैं अपने आप ही, मीन्स डोले तो ऐंठ जाते थे पैर ना आगे से, ऐंठ एंड फिंगर जाते। सारी ऐसे ऐसे हो रही थी। और नाइट में ही ये प्रॉब्लम हुई। तब फिर प्रॉब्लम क्या क्या हुई, एकदम से मतलब मैं ब्लैंक हो गई और लेग्स मुड़ गए, और जैसे शिवरिंग कर रही थी बहुत ज़्यादा, बॉडी बहुत शिवरिंग कर रही थी। मुझे सब पता होता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, बट मैं कुछ नहीं कर पाती अपनी बॉडी के लिए, मतलब कुछ कर नहीं पाती खुद से। और बहुत पेन, बहुत पेन, मतलब मैं रो रही थी, बहुत रो रही थी। तो नाइट में फिर पापा और ये मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। तो हॉस्पिटल लेकर गए तो एकदम से ऐसे हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर्स को भी नहीं पता चल पाता कि एक्चुअल में हुआ क्या है। एंड मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम ऊपर से है, और मेरा उस टाइम मेरा जो बीपी था ना वो बहुत ज़्यादा लो हो गया था, और मुझे बीपी की प्रॉब्लम हो गई है कि मैं मेरा बीपी लो ही रहता है।
मैं कभी भी बेहोश हो जाती हूँ, मेरे को प्रॉब्लम हो गई है तो नहीं है एक्चुअली बाद... प्रॉब्लम हुई नहीं है, प्रॉब्लम हुई नहीं है बेटा, ये चीज नहीं है। हुआ ही है कि जिस हिसाब से पेन होता है ना, तो डॉक्टर से मैंने कंसर्न करा, बात करी है, पूछ मतलब उनसे काफी सारी बातें हमारी डिस्कस हुई है ये, तो उन्होंने ये बोला कि जब एक इंसान के जब इतना हद से ज्यादा पेन हो रहा होता है ना, कि हद से ज्यादा पेन हो रहा होता है, जब वो बंदा अपने उसमें नहीं होता, वो बंदा रो रहा है साथ में, पेन को नहीं कर पा रहा, उसको पता है कि मेरे पेन दबाने से भी ठीक नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो बंदा अनकॉन्शियस हो जाता है और वो सीधा ही फेंट हो जाता है। तो वो उस फेंट को मतलब बंदा परेशान होता है, अंदर से घबराहट होती है उसको अंदर से बॉडी में कि उसके साथ हो क्या रहा है, वो पेन को रिलीफ नहीं मिल रहा, उस चीज से वो परेशानी में होके दो चीजें होती हैं, तो बीपी एकदम हाई जाएगा या बीपी एकदम लो जाएगा। जिस जो बंदा एकदम बहुत ज्यादा वो होता है कि एग्रेसिव होता है बहुत ज्यादा, तो उसका तो बीपी हाई होता है, और जो बंदा एकदम ढीला वीक होता है, अंदर से इंटरनल बॉडी वीक हो उसकी, ठीक है, जैसे आपको पता है प्रीति की थोड़ी वीक चल ही रही थी बॉडी, क्यों ऐसे बॉडी वीक चल रही थी, क्योंकि अब हमने जो जो टेस्ट वगैरह सारे करवाए थे वो सब आपको बताते हैं अभी आगे। तो मेन जो ये रीजन था कि उन्होंने ये बताया कि वो पेन से बंदा अनकॉन्शियस हो जाता है, जिससे बीपी लो होता है और फेंट हो जाता है इंसान, मतलब बेहोश हो जाता सीधा। तो वो चीज थी, तो मेन ये ऐसी भी प्रॉब्लम कुछ नहीं हुई है, अभी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई प्रॉब्लम हुई है भाई, प्रॉब्लम ये सिर्फ यही है आई हुई है। बाकी आप बताओ आगे, रिपोर्ट्स वगैरह करी थी फिर? हाँ, फिर हम डॉक्टर के गए, यहाँ पर एक डॉक्टर है, हम वहाँ पर गए, उन्होंने हम मेरे को टेस्ट लिखे, तो जो टेस्ट करने वाला आया था उस टाइम तो मेरी हालत ऐसी थी कि मतलब मुझे ये गोदी में उठा के लेके जाते थे, वॉशरूम भी इन्होंने बहुत करा है, उसे मैं बताऊंगी आपको, ज़्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए, बट तारीफ नहीं करनी भाई, मत करो, बताओ तारीफ वारीफ नहीं। तो डॉक्टर ने टेस्ट लिखे, तीन टेस्ट लिखे थे, वो मेरी फीवर के लिखे थे उन्होंने उस टाइम, मतलब जो उनको डाउट हुआ था। तो जो मेरे को टेस्ट करने वाला आया था, तो उसने मेरी हालत देख के मुझसे बोला कि आपके हेयर फॉल हो रहा है, मैंने कहा इतने दिन हो गए थे, मैंने तो कंघी तक नहीं की थी, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, क्योंकि मेरी तबीयत थी इतनी ही नहीं थी कि मैं कंघी कर सकूं, तो मैंने उनको कुछ जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने खुद से ये चीज़ बोली कि आप ना एक बार इनके ना टेस्ट करा लो, फुल बॉडी विटामिन के, इन सब चीज़ों के, फीमेल टेस्ट करा लो, फीमेल टेस्ट करा लो, फुल बॉडी फीमेल टेस्ट। उन्होंने मतलब उन्होंने सजेशन किया, बट ये नहीं पता था कि उन्होंने ऑलरेडी के वाले टेस्ट लिखे हुए थे डॉक्टर ने, ये हमें सेकेंड टाइम पे कराने थे, बट पहले हमें फीवर के टेस्ट कराने थे। क्या हुआ फिर उसके बाद, वो सारे टेस्ट हो गए, हमने करा लिए और एक बार में आए, ब्लड लेके चले गए, टेस्ट हो गए, रिपोर्ट्स आई, रिपोर्ट्स में पता चला कि मेरे अंदर विटामिन डी जो होता है ना वो ज़ीरो है, मेरा विटामिन डी मेरी बॉडी में से ख़त्म हो चुका था, और जिस रीज़न से मेरे जो और भी चीज़ होती है आयरन कैल्शियम ये चीज़ भी लो हो गई थी, क्योंकि वो एक चीज़ भी वो वैसे हो गया था, तो बड़ी प्रॉब्लम, मतलब एक भी चीज़ कमी हो अगर कोई सर्कुलेशन में, तो वो एक चीज़ कमी की वजह से तीन चार जगहों पे इफेक्ट देती ही देती है वो, तो इस वजह से उसमें मतलब कि कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी, विटामिन डी की कमी तो थी ही, साथ में इन चीज़ों की भी कमी शुरू हो गई, और तो ऑलमोस्ट मेरी बॉडी ने मेरा साथ छोड़ दिया था बिल्कुल ही, मैं बिल्कुल ऐसे हो गई थी कि मतलब क्या बोले, हाथ पर छोड़ देने अपने, अभी भी बहुत फेंट, बिल्कुल ऐसे भी बहुत बार, अभी जस्ट वीडियो शूट करने से दो एक डेढ़ घंटे पहले ही मैं, मेरी तबीयत खराब हुई है, तो उसके बाद मैम ने रिपोर्ट्स दिखाई, मेरी मेडिसिंस चली, मेरे को मल्टीविटामिन्स उन्होंने जो सजेस्ट किया मुझे मेडिसिन है, मैंने वो सारी मेडिसिंस ली, मैं जहाँ एक टैबलेट नहीं खाती थी वहाँ मुझे 10-10 टैबलेट्स खानी पड़ी है आज, और फिर मुझे मैंने खाने पीने का, मेरे को हैवी हो जाता था, मुझे घबराहट होती थी, नाइट में पेन उठते थे जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था, और मैं बहुत रोती थी अभी भी हूँ, वो पेन मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। फिर क्या हुआ था, फिर मेरे को ऑलमोस्ट पहले 10 डेज मैंने मेडिसिन खाई, 10 डेज की मेडिसिन लिखी, उन्होंने सीधा डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया था कि ये इतनी जल्दी रिकवर नहीं होगा, बॉडी के अंदर सब कुछ खत्म है, ठीक है, तो इसके अंदर फिर से भरना है, ये सिर्फ एक बॉडी है, बॉडी के अंदर हमने सारी चीजें भरनी है, ठीक है, बोन्स इसकी बिल्कुल यही है कि जैसे 2-3 साल का बच्चा होता है बेबी, उसकी मालिश वगैरह करनी होती है ना बिल्कुल आराम आराम से, विटामिन डी में धूप लगाओ उसको आराम से, मंजी में बिठा के जैसे करते हैं मालिश, तो वो वाला हाल था कि भी प्रीति को यही करना था, उसको धूप लगवानी थी, विटामिन डी के कैप्सूल्स देने, मतलब शॉट्स होते हैं पीने के,
वो दी हुई थी मेडिसिन, वो पीनी है, वो पीनी थी, एक दिन छोड़ के पीना होता है साथ में। तो ये सब चीज़ें चल रही थी, 10 दिन निकले, उसके बाद फिर भी रिकवर प्रॉपर ठीक नहीं, हल्का बहुत फर्क, जैसे कहते हैं माइंड, मतलब कह सकते हो कि 10% में से सिर्फ और सिर्फ 2% भी बहुत ज़्यादा बोलेंगे कि 2% में भी फर्क पड़ा हो, 1% कह लो आप, या 1% फर्क पड़ा हुआ था, वो जिसमें अपने आप प्रीति खड़ी हो सकी टांगों पे, तो हमें वही लगा कि हाँ रिकवर, पहले प्रीति खड़ी नहीं हो पाती थी, तो मैंने अपने पैर पे स्टैंड हो, मतलब खड़ी पकड़ पकड़ के इधर उधर से, मतलब कि गेट्स वगैरह पकड़ के हमारा साथ अपना भेज दिया। इन्होंने मुझे कहा कि एक काम करो कि यहाँ पर, क्योंकि क्या कहते हैं इनका, उन्होंने मेरे चक्कर में अपना ऑफिस जाना छोड़ दिया, ये मुझे वॉशरूम लेके जाते थे, इन्होंने बहुत करा, बहुत ज़्यादा करा, रात रात बालिश करी है बैठ के, सोते नहीं हैं बिल्कुल, मेरे लिए, मेरी वजह से पूरी पूरी रात ऐसे ही निकल जाती है इनके भी, मतलब मेरे को ऑलमोस्ट 1 month होने वाला है जिस रीज़न से इन्होंने कितना किया, मेरे को नहीं लगता कोई और होता तो मुझसे परेशान ही हो जाता, बट इन्होंने करा। फिर फिर उसके बाद मैं नहीं रोती तुम्हारे लिए, तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे घर भेज दिया। मैं घर जाके इनको बहुत मिस करती थी, क्योंकि ये मुझसे 2-4 दिन के बाद मिलने आ जाते थे, ये जिस दिन छुट्टी करते थे ऑफिस की तो तभी मेरे पास आते थे मिलने घर पे, और मैं जब भी मैं मिलती थी तभी मैं इनको देख के रोती थी, क्योंकि याद ही आती थी नहीं मेरे को। मैंने शादी के बाद 1 ईयर हो गए मेरी शादी को, मैं अपने मायके में रुकना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था, कि मैं मेरे मायके वाले कहते हैं कि लड़कियां मायके आने के लिए वो होती हैं, ये अपने हस्बैंड के पास जाने के लिए वो होती है कि नहीं मैं नहीं रुक रही अपने घर ऐसे करके, तो पागल है लड़की ऐसे करके। तो मतलब मैं फिर इतने घर का पूरा कर कर आई है, पूरा मोटा निपटा के आई है, 1 ईयर का जितना रुकती है ना लड़की अपने घर पे जाके, तो मैंने वो पूरा काट के भाई पूरा साल का कोटा पूरा कर आई, पूरा करके आ गई हूँ। तो इन्होंने फिर एक्चुअली इसको मैंने इसलिए भेज दिया क्योंकि ये यहाँ पे रुकती थी ना, तो जरा से भी जैसे लोता था खड़ी हो जाना, चलना फिरना खुद ही, अब मान लो मैं भी बैठा ही हूँ, मैंने मतलब मम्मा को बोल दिया चाहे थोड़ा मिल्क भी कर दे, तो यही खड़ी होके चली जाती थी एकदम से, तो मेरे को वो चीज होती थी कि यहाँ पे बैठी ना ये यहीं पे खुद ही, कभी ये ठीक करना कभी वो करना, खुद हिम्मत नहीं है पता है, क्योंकि परेशान क्या होना बाद में, कुछ भी काम हो छोटा मोटा इधर उधर ये ना खड़ी होके, ये तो इसको यही है कि बाद में दर्द होगा, परेशान होना, इसको पता है कि परेशान होना पड़ेगा, बट फिर नहीं सुनते थे, तो फिर मैंने जबरदस्ती हुआ, उधर से बोलते भी थे, उधर से भी मम्मा बोलते थे कि यार नहीं घर आ जा, इधर से थोड़ा उनको भी होता ही, हर एक माँ बाप को होता ही है कि बेटी मतलब ठीक है पास में आ जाओ उधर, तो बट ये होता था कि नहीं मेरी केयर यही अच्छी करते हैं, मतलब ये मेरे पास रहते हैं, मेरे को यही चाहिए ये वो ये वो, बट फिर मैंने इसको जबरदस्ती समझाया, मैंने कहा देख बेटा ऐसे ऐसे है कि यहाँ पर नहीं हो पा रहा तेरे से भी, कंफर्ट नहीं हो पा रहा, और ये चीजें करती रहेगी तो ठीक बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी, इसलिए को भी रेस्ट चाहिए बिल्कुल आराम से। मैं बिल्कुल 1 महीना हो गया है मैं बेड रेस्ट पे ही हूँ, मुझे आज महीना हो ही गया, मान लो पूरा महीना मान लो कि तब से है ना, मैंने वीडियोस आई है ना कुछ है, तो बेड रेस्ट पे है अब ये, उधर घर चली जाती है, घर चली गई उसके बाद वहाँ पर, मतलब मेरा डेली पापा ने जूस एंड मम्मी ने रूटीन बना दिया खाने पीने का, हर एक चीज का, नाइट में मम्मी भी उठती थी मेरे साथ, पेन होता था वहाँ पे, मेरे घर पे 2-3 बार ऐसी तबीयत खराब हुई है कि मुझे हॉस्पिटल लेकर गए हैं, तो उस टाइम पे मेरे साथ ये होता था, मुझे इनकी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी, जैसे होता है ना एक बंदे को, जैसे मैं अपने घर पे मेरी तबीयत खराब हुई, मुझे पता है मेरे माँ बाप मेरे साथ में, बट उसके बाद मुझे ये होता था कि इनको बुला दो, तो मैं यही बोलती रहती थी तबीयत खराब में भी कि इनको बुला दो, तो मेरी जैसी तबीयत खराब होती थी तो मैं सबको छोड़ के सबसे पहले इनको फ़ोन करती थी। मुझे एक डर लगता था कि अगर बाई चांस कुछ होता भी है तो ये साथ में हो ऐसे करके, तो उसके बाद मतलब मेरी ये अंदर की इंटरनल फीलिंग थी कि क्योंकि इन्होंने तो मुझे वहाँ पे छोड़ दिया था और मेरी ऐसी हालत हो जाती थी कि मुझे खुद ही होश नहीं होता था। उसके बाद 2-3 ये आए भी हैं रात रात को, कभी 11 बजे कभी 1 बजे, मेरी जब भी तबीयत खराब होती थी मैं फ़ोन करती थी इनको, बुलाती थी मेरे पास आ जाओ बस, फिर चाहे जो मर्जी हो, कहाँ जो बंदा कभी मेरे घर पे आधे दिन भी नहीं रुके ना, वो उन्होंने मेरे घर पर रात गुजारी है मेरे साथ में, मैंने कहा इनके भी पूरे पूरे वो ले लिए मैंने, फिर उसके बाद तो रुके साथ मेरे को भी रुकवा दिया, कोटा पूरा करवाया।
मैं हंसने में भी दर्द हो रहा है। तो क्या, तो इन्होंने फिर उसके बाद मैं इनको, ये ना इनकी तबीयत पीछे से थोड़ी सी बिगड़ गई। टाइम हो गया था मुझे घर पे रहते रहते, मैं सोचती थी अपने घर पे ब्लॉगिंग करूँ, बट मेरी इतनी हालत ही नहीं थी कि मैं कुछ कर सकूँ। मेरी मम्मी मुझे कुछ भी नहीं करने देती थी, बोलती बैठी रहे। एक बंदा होता है जो काम करने वाला है, वो कैसे बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता। बहुत बैठना ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी। वहाँ पे भी रिकवरी अच्छी थी, मेडिसिन से अपने आप चलकर जाना, वॉशरूम भी चलना फिरना हो रहा था, अपने आप पैर में मतलब जान आ गई थी धीरे धीरे ही, बट ये नहीं कि हाँ भागना फिरना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने मतलब मुझे उन मेडिसिन के साथ में कुछ प्रॉब्लम्स होने लग गई थी, जिससे मुझे घबराहट, लूज मोशन, वॉमिटिंग, ये तीन चार चीजें जो होती है मुझे ना रेगुलर होने लग गई थी। घबराहट तो ऐसी घबराहट होती थी कि मतलब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, ऐसे करके कुछ होता था, बहुत घबराहट होती थी। तो फिर मैंने डॉक्टर से फ़ोन पे बात करी, क्योंकि मैं दूर थी, तो फ़ोन पे बताया मैंने, मुझे मेरे जॉइंट्स में पेन हो रहा है, मेरे लेग्स में खिंचाव पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मुझे। तो उन्होंने मेरी मेडिसिन जो पिछली वाली थी वो बंद कर दी। आराम से पानी मिला। तब डॉक्टर ने मेरी लास्ट मेडिसिन बंद कर दी थी और नई शुरू कर दी। तो जब नई शुरू करी उसके बाद मैं रिकवर, मतलब मेरे पहले जो उन्होंने मेडिसिन दी थी फर्स्ट टाइम में, वो मुझे लगता था मुझे अच्छे से अच्छा सूट कर रही है, बट जो उन्होंने सेकंड टाइम में लिखी तो वो मेरे को इतना नहीं सूट करी, मुझे ठीक नहीं लगा। बट उन्होंने मेरी जो तीन चार प्रॉब्लम थी उसकी मेडिसिन दी थी, जो पिछली मेरे को जो ताकत की थी वो सब बंद कर दी थी। तो फिर उतने बीच में ही जो गैप आया 5 डेज का, जो मैंने न्यू मेडिसिन खाई, उस बीच में इनकी तबीयत खराब हो गई थी। इनको ये मुझे बता, इन्होंने नहीं बताया मुझे कि इनकी तबीयत खराब है, इनको पता था कि मैं प्रेशर ले लूँगी। मुझे यहाँ पे बात करी मैंने घर पे, तो मम्मा ने बातों में बता दिया कि इनको लूज मोशन वगैरह, इनकी भी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है, क्योंकि शायद पता है पानी पीछे से खराब आ रहा था कि क्या हो रहा था, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी सबको घर पर, सबकी तबीयत खराब हो रही थी। तो अब वहाँ पे बैठे बैठे मेरे माइंड में चलता रहता था, पता नहीं कुछ खाए हैं कुछ पिए हैं, मतलब अब बंदा दूर होता है तो परेशान ही होता है। तो मैं ऐसे परेशान होती थी कि मैं कुछ नहीं कर पा रही इनके लिए, इनकी तबीयत ख़राब है। तो मैं फ़ोन पे वहाँ पे रोने लग जाती थी। तो एक दिन मैं परेशान नहीं होकर मैंने इनको गुस्से में बोला कि मुझे लेने आ जाओ, बहुत हो गया, अब नहीं रहा जा रहा, अब आ जाओ लेने, मैं देख लूँगी तुमको। तो इन्होंने कहा चल ठीक है देखता हूँ। फिर इनको लगा कि भी मैं रिकवर हूँ, थोड़ी सी ठीक हूँ, तो इन्होंने भी मुझे लेने आ गए। अभी कितना टाइम हुआ है मुझे लेने आने से पहले, अभी मुझे 4-5 डेज हुए, बट पता नहीं क्यों आई हूँ मैं उस नाइट में आई। तो नीचे मुझे पापा लेने आए और मैं पापा को देख के ऐसा रोई, मतलब ऐसा मुझे लगा कि पता नहीं इतने दिन हो गए मैंने किसी को भी नहीं देखा, ना इधर मम्मी को देखा था ना पापा को देखा था। पापा के मैं वहीं रोड पे ही नीचे गली में हक करके रोने लग गई। तो कह रहे हैं रो तो मत, अब मैं क्या करूँ, मुझे खुद ही इमोशनल हो गई उनको देख के। फिर ऊपर आए तो मम्मी ने भी प्यार किया, फिर हम ऊपर आई, उसके बाद भी यहाँ पर भी बेड रेस्ट पे हूँ। बट मेरे को मेरी सिचुएशन फर्स्ट वाले पे आ गई। अगर मैं जितना रिकवर हुई थी ना, मेरा सब कुछ मेरा डाउन दोबारा हो गया आने के बाद। मुझे नहीं पता कि मैंने प्रेशर लिया या क्या हुआ, बट मेरे को सबसे प्लस वो मेन था कि मेरी जो दवाइयाँ डॉक्टर ने बंद कर दी थी, जो मेरे को ताकत की थी, वो दवाइयाँ मैं खा नहीं रही थी, तो मैं दोबारा से डाउन हो गई हूँ। अभी भी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने कहा आज मैं थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ वो कैमरे के सामने बैठना है। एक्चुअली हुआ क्या, हमारे ना बात हुई तो एकदम प्रीति ने मेरे को ये बोला कि क्या सोचा है आप यूट्यूब वीडियोस वगैरह का, बात नहीं कर बना नहीं रहे जाकर, तो बाहर भी शुरू कर रहे थे बना चले जाते। तो मेरे साथ हुआ क्या था, एक बार ना मैं पीछे मतलब वीडियोज डाली है, मैंने एक दो वीडियोज डाली है, मुश्किल से शायद 2 या 3 डाली हैं जितनी भी डाली। तो बाकी उसके बाद क्या हुआ है कि एक शूट में कर रहा था, इसका बीच में ही फ़ोन आ गया मेरे पास, मैं बाहर निकला हुआ था शूट के लिए, तो एकदम से फ़ोन आ जाता प्रीति का कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। तो एकदम मेरे को वहाँ से शूट छोड़ के भागना पड़ा, और गर्मी का टाइम भी वैसे दोपहर के टाइम भी इसका ऐसे हो गया फ़ोन। तो भाई मैंने कहा छोड़ यार कोई बात नहीं, ऊपर से अभी ये मेरे पास घर भी, मैंने घर पर भी बुला लिया, घर पर भी आ गए मेरे पास ही, कोई बात जो होगा घर पर टेक केयर करेंगे। एक तो है ये सुनती का मैं, बोलो अगर किसी चीज़ के लिए मना करो तो भी करना तो है ही, एक जिद्दी तो करनी है अपनी, अभी भी बीमार में भी जिद्दी करनी, जिद तो चलानी है अपनी, ठीक है चलो जो हो गया हो गया। बट अब कह सकते हैं कि आज भी थोड़ा सा फ़र्क है,
मेडिसिन चल रही हैं, मेडिसिन दोबारा से डॉक्टर से कंसर्न करें हैं, कितने डॉक्टर्स पे चेंज करे हैं, हर जगह करते गए हैं, तो बट अब एक डॉक्टर लास्ट बोन वाले डॉक्टर के पास गए। अब लास्ट में अब हम लोग गए हैं बोन्स वाले के पास, क्योंकि जो जो इसके सिम्टम्स आ रहे थे ना वो हो रहे थे जॉइंट पेन काफी ज्यादा, तो डॉक्टर ने ही मेरे को बोला, रिकमेंड करा कि एक बोन्स वाले के पास जाओ। तो गठिया भाई का उन्होंने टेस्ट बोला, तो हमने वो भी टेस्ट करवा दिया, रिपोर्ट्स आनी है अभी सैटरडे को, रिपोर्ट आएंगी इनकी इसकी और पता चलेगा। तो बोन्स वाले के पास भी हम आए हैं, तीन टेस्ट थे, दो रिपोर्ट्स आई थी, दोनों रिपोर्ट्स नॉर्मल आई थी, एक रिपोर्ट्स और रिपोर्ट आनी है और एक, तो उस रिपोर्ट में देखेंगे हम कि क्या आता है। अब वो चीज़ भी सुनकर एकदम से हुआ कि यार क्या होगा, एकदम से गठिया भाई कैसे, मतलब आप लोग देख सकते हैं, सर्च करके देखना उसमें होता क्या, सारी जॉइंट्स वगैरह जो हमारी नी एल्बोज वगैरह उठा भी नहीं जाता। बट उन्होंने जो डॉक्टर के पास गए थे स्पेशलिस्ट के पास, उन्होंने चेक करा और उन्होंने बोला कि नहीं अभी या तो हो सकता बिल्कुल स्टार्टिंग है, अभी बिल्कुल स्टार्टिंग है, या तो अभी जल्दी उन्होंने बोला कि या तो अभी स्टार्टिंग है, तो इनके रिपोर्ट्स अभी नॉर्मल आई हैं या अभी स्टार्टिंग पकड़ में आ गई है तो ज़्यादा बढ़िया है, बट अभी हैवी डोजेज नहीं दे सकते क्योंकि अभी उनको नहीं लग रहा था कि उस चीज़ की प्रॉब्लम है। उन्होंने काफ़ी चीज़ें चेक करी, हाथ पैर मतलब जॉइंट्स वगैरह दबाए, जहाँ जो चीज़ें चेक करते हैं उनकी टेक्निक्स देखी अपनी अपनी से, जो चीज़ें चेक करी, फिर उन्होंने कुछ मेडिसिन दे दी। उन्होंने कहा सारी दवाइयाँ बंद कर दो अभी जो भी चल रही है, आप सिर्फ मेडिसिन दो क्योंकि देखते हैं क्या होता है फिर उससे आराम। तो वही अभी मेडिसिन पे अभी पी थी। अब जो सैटरडे को रिपोर्ट आनी है उस रिपोर्ट में देखते हैं क्या आता है। बाकी टेंशन मत लीजिए, वीडियोस मैं लेकर आऊँगा। मैंने एक्चुअली सोच लिया था कि अभी काम नहीं रोक दूंगा क्योंकि यूट्यूब का यार, क्योंकि बाहर नहीं जा सकता, प्रीति को तो छोड़ सकता अकेले, काम याद है कि ऑफिस का भी काम, मैं वर्किंग बहुत कम कर रहा था, सिर्फ जाना आना छू कर आने वाली बात थी, फालतू में जाना और आना होता था, क्योंकि इसलिए मैंने वहाँ पे भी लीव ली हुई थी पूरी, मतलब महीना भर मेरा ऐसे ही गया अभी। तो बाकी वीडियो को आपको अच्छी लग रही होगी तो बाकी लाइक शेयर कमेंट कर देना यार, सोचा कि अपनी थोड़ी से लाइफ बताएं क्या क्या चल रहा हमारे साथ। कोशिश यही रहेगी कि हमारे व्लॉग्स आते रहें, कंटिन्यूटी में रहूं, क्या क्या होता है अब जो भी, अब सैटरडे के बाद में थोड़ा रिलीफ हो जाए, क्या रिपोर्ट आती है माइंड में, यही है कि सही आ जाए, सब कुछ अच्छा हो। आप लोग करें कमेंट्स करें यार, अपनी जो बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े हैं हमारे से, वो लोग आप प्रे कर सकते हैं कि प्रीति बिल्कुल नॉर्मल जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, और जो छोटे हैं भाई बंधु वाली बातचीत है तो यार वो भी प्लीज़ थोड़ा बोले, मतलब प्लीज़ वो भी यही रखें कि यार भाभी आपकी जल्दी ठीक हो जाए, ठीक है, क्योंकि मैं भी अब हो गया हूँ बहुत ज़्यादा कि इसको मेरे को ना, मतलब मैं देख नहीं पाता हूँ कि जैसे रोती है ना वो तड़प, मतलब तड़पना कह सकता हूँ मैं, क्योंकि उसकी टांगों का हाल बहुत ज़्यादा बुरा होता है, मेन सिर्फ टांगों की पेन में, इसका पेन ठीक हो जाए टांगों का तो भी थोड़ा ठीक हो, मतलब ये ठीक लगे फिर भी रिकवर लगे, मेन चीज़ है कि जो रोती है ना वो चीज़ नहीं देखी जाती मेरे से, तो एटलीस्ट अब मैं नहीं देख सकता क्योंकि बहुत देख चुका हूँ कि अब मैं नहीं देख सकता कि यार इतने टाइम से बंदा झेल रहा हो, एक अंदर से ना बड़ी दिक्कत होती है। तो यही थी यार कुछ छोटी सी कहानी, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी और आप लोग भी पता चले कि कोई बंदे ऐसे भी होंगे यार हमारे साथ में कि सोचेंगे कि क्या डाल दिया, बट वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, एंड तक ज़रूर देखना। आपको कुछ कोई ऐसा है, कोई डॉक्टर हो हमारा कुछ गाइड कर सकता हो तो वो भी आप कमेंट जाके कर दीजिएगा।